देखें कितना बड़ा एक तनाजर है, अवाम के क्या हालात होंगे, पीटीआई के लोग जो हैं वो जिनको यूथिये कहा जाता है वो क्या सोचते होंगे आज कि पाकिस्तान खुद कंफ्यूज है। डॉलर बेस जब चाइना से डॉलर आने शुरू हो जाते हैं तो वो एक दुकान बिल्कुल बंद कर देते हैं, ब्रिज बंद कर देते हैं। इधर से डॉलर बंद हुए तो इस वक्त पूरी ट्राई फुल फ्लैज सऊदी अरेबिया से कहा जा रहा है कि हमें वापस अमेरिकन कैंप में लेके आया जाए। इस वक्त बिल्कुल वही ट्राई हो रही है। तो उसमें जब देखें ना, और दूसरा सबसे बड़ा एक जो तनाजर दो कंट्रीज का अगर देखा जाए तो एक आप एक अमेरिकन गाहक है उनका और एक उनसे पैसे मांग रहा है। तो उनके उन्होंने जाहिर जो पैसे मांगने वाले को जिस तरीके से ट्रीट करना चाहिए वो कर रहे हैं। वो उनका कस्टमर है, वो उनका पार्टनर है अगेंस्ट चाइना, वो ट्रेड में उनका पार्टनर है, वहां से उन्हें कोई थ्रेट नहीं है। आपके उनके आपके साथ आपने हमेशा डबल गेम खेल के अपना सारा जो सत्यानाश कर दिया अपने रिलेशनशिप का, उसमें अल्टीमेटली यू हैव टू मेक द करेक्शन। सबसे बड़ा इम्तिहान अगर मैं इस वक्त पाकिस्तान में बैठा हूं तो पाकिस्तान को अपना दुनिया में इत्माद रिस्टोर करना चाहिए सबसे पहले कि वी आर इंटरनेशनल प्लेयर, हम मुखलस हैं अपनी चीजों में, और हमें बिल्कुल बताएं कि वी आर न्यू पाकिस्तान, बताएं वी आर न्यू एडमिनिस्ट्रेशन, एंड वी आर सीरियस अबाउट डायलॉग, वी आर सीरियस अबाउट ह्यूमन राइट्स, वी आर सीरियस अबाउट फ्रीडम ऑफ रिलीजन। आप सिर्फ और सिर्फ ये कह देते हैं टीएलपी की वजह से हमारे ऊपर फैटफ का आ जाएगा, लेकिन आपकी करप्शन का आपको नहीं, क्या आपका क्या ख्याल है, करप्शन को नोट नहीं कर रहे वो, आपके फ्रीडम ऑफ रिलीजन को वो नोट नहीं कर रहे, जो सिंध के अंदर क्या हालात है हिंदू कम्युनिटी के साथ जिस तरह होता है उसको वो लोग नहीं देख रहे, उस पर सीरियस लेंगे। आप टीटीपी के साथ जब आप उनको खुली माफी का ऐलान करते हैं तो क्या ख्याल है, आप लोग आपको नहीं देख रहे, देख रहे हैं वो। आप टीएलपी के साथ मुआयदा करके आप उसको डिस्क्लोज नहीं करते, वो लोग देख रहे हैं। बट इवन देन आपकी आवाम देख रही है रिजर्वेशन। खान साहब जब जिस दिन सुप्रीम कोर्ट गए थे अगले दिन, तो बाहर बार माया आके चीखी थी उनके कि इनके साथ आप इनके साथ क्यों इतना सुलह कर रहे हो, जिनके पिशावर बच्चे जो शहीद हुए थे उनकी माए चीखी आगे बाहर। उन लोग आपका क्या ख्याल, इंटरनेशनल कम्युनिटी को नहीं देख रहे, देख रहे हैं व्हाट इज गोइंग ऑन इन पाकिस्तान। तो आपको आपको अपनी प्रायोरिटीज ठीक करनी होगी, आपको प्रायोरिटीज ठीक करनी होगी, अपने आपको आपको सीरियस होना पड़ेगा पाकिस्तान के बारे में, वरना आप कहते हैं गलती गुंजाइश नहीं था। आगे आगे सफर बड़ा खतरनाक है जिन रस्तों में जा रहे हैं। ये जो कोविड आया है चीमा साहब, इसका इंपैक्ट थर्ड वर्ल्ड वॉर का है। सप्लाई चाहे सप्लाई चेन टूटे चाहे जो कुछ भी हो, लेकिन थर्ड वर्ल्ड वॉर का इंपैक्ट है। बड़े बड़े बुत इसमें गिरेंगे, इस कोविड के बाद महंगाई के सैलाब में कई चीजें उलट जाएंगी, और उसमें बिलखसूस जिन मुमालिक में नॉन सीरियस फैक्टर है, जहां पे एक एलीट क्लास रूल कर रही है, जहां पे करप्शन इस हद तक हो चुकी है कि 6 करोड़ की गाड़ी इस वक्त पाकिस्तान में V8 6 करोड़ की गाड़ी है और उसकी भरमार है, लोग इस तरह लेते हैं जिस तरह कैंडीज ली जाती है, और गरीब आदमी जो है वो 2 वक्त की बजाय 1 वक्त की रोटी पे आ चुका है। ये सोचना पड़ेगा जो भी लोग इस वक्त रूलिंग पार्टी में बैठे हैं कि ये समंदर जब जोर पड़ेगा तो सामने क्या होगा। अभी तक उनके कहते हैं माथे पे बल भी नहीं है, लेकिन गलत बात है। अच्छा ताड़ सर, ये तो एक सिचुएशन होगी, लेकिन प्रॉब्लम जिस तरह आपने बताया, आज इस वक्त आपको पता है कि इस लाहौर में एक कॉन्फ्रेंस हुई है, आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस, जिसमें सारी ऑपोजिशन और सारे, एक ही पॉइंट था, सारा पाकिस्तान एस्टैब्लिशमेंट पे तनकीद कर रहा था, और सारी सियासी जमातें आ रही थी वो एस्टैब्लिशमेंट पे तनकीद कर रही हैं, सारे जो स्टेक होल्डर्स हैं, सिविल सोसाइटी, लॉयर्स, मतलब बड़ी खुल खुला के तनकीदें हो रही हैं, इतना ज्यादा बोल रहे हैं। ये तो लगता यह है कि जो हमारा डोमेस्टिक मंजरनामा है इसमें इतनी पोलराइजेशन है, यानी कि इमरान खान साहब का पावर में आ जाना इस तरह लग रहा है जिस तरह एक नेचुरली एक अननेचुरल सा फिनोमेनन है। सो इस तरह के एनवायरनमेंट में क्या आप समझते हैं कि फॉरेन पॉलिसी और अमेरिका से ताल्लुकात मजीद डिस्टेबलाइज नहीं होंगे, क्योंकि डोमेस्टिकली कंसेंसस नहीं है, पॉलिटिकल जब इंस्टेबिलिटी होगी, एस्टैब्लिशमेंट को आपने जो है वो टफ टाइम दे रहे हैं, और एस्टैब्लिशमेंट फॉर अ मोमेंट तो खामोश है, वो देख रहे हैं क्या कर रहे हैं, लेकिन जजेस हो या जो भी हो, तो ये इस तरह की जो कंफ्यूजन से हम किस तरह निकल सकते हैं, ये तो एक घर में हमें समझ नहीं आ रही कि किसके पास कितनी ताकत होनी चाहिए, तो बाहर कैसे डील कर सकते हैं। ये जो अभी एस्टैब्लिशमेंट पे क्रिटिसिज्म हो रहा है और जो लाहौर में आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस, इस रेफरेंस से जरा फॉरेन पॉलिसी पे इन्फ्लुएंस बताइए। चीमा साहब, इट वॉज शॉकिंग, मैंने उसको बड़े क्लोजली वॉच किया क्योंकि अल्टीमेटली मेरी फीलिंग्स है, आई एम अ लॉयर माई सेल्फ।
उसमें अली अहमद कुरत साहब की स्पीच, उसमें जजेस का बैठना, उसके बाद चीफ जस्टिस साहब का रिएक्शन, उसके बाद वहां पे स्पीचेस हुई और बिलखसूस वहां नवाज शरीफ साहब की स्पीच, इट वॉज अमेजिंग। मैं हैरान हो गया हूं कि उस पूरे सेशन में, पूरे वो जो 2-3 दिन का उनका सेशन था, उसमें इमरान खान साहब का नाम ही कहीं नहीं। सबसे बड़े मेरे लिए एक लम्हा फिक्रिया था कि उसमें उन्होंने इमरान खान पीटीआई गवर्नमेंट पे कोई क्रिटिसाइज नहीं किया, और वो उन्होंने डिफाइन पूरा, मैं समझता हूं हैरान हो गया हूं मैं कि वो किस तरीके से उन्होंने रिएक्ट किया, जज्बात और जो नारे वहां पे जो वुकला ने नारे लगाए, मैं हैरान था उस पर, हैरान था उस पर। और मेरा आपका क्या ख्याल है, दुनिया उन चीज इस चीज को नहीं देख रही, हम कहां खड़े हैं? पॉइंट मैं समझता हूं कि अली अहमद कुरत साहब ने एक बात कही, मैं हैरान था उस पर, उन्होंने कहा कि ये कंट्री मुट्ठी के अंदर से जिस तरह रेत स्लिप हो रही है, इस तरह निकलता जा रहा था उसे, जिससे उनकी तशबीह ये थी। और मेरे लिए बड़ा एक लम्हा फिक्रिया था एज अ लॉयर, और मुझे मेरी खुद आंखें कई खुली उसमें चीजें देखकर सुन के उनकी बातें। मैं खुद क्योंकि अमेरिका में बैठा हूं, अल्टीमेटली मैं हूं तो बड़ा जज्बाती पाकिस्तान के हवाले से, लेकिन ये कि वो मैं हैरान था कि इतना गुस्सा और इतना रिएक्शन एक ऐसे तबके से जो कि एक पढ़ा लिखा तबका है, जो आर्गुमेंट्स पे चलता है, जो दलायल की बात करता है, जो कन्विंसिंग और प्लीडिंग पे चलता है। तो और आपने जो फॉरेन पॉलिसी की बात की, वो लाजमी फॉरेन पॉलिसी पे देखें उसको, मैं उसको रिलेट इस तरह करूंगा, आपको शायद ये पता होगा, आसमा जागीर कॉन्फ्रेंस में कई आपके जो सफीर हैं उन्होंने आके स्पीचेस दी जी। और मैं समझता हूं कि इट वाज एन अमेजिंग ओकेजन, और आपके पूरी कंट्री को उसने एक पिक्चर ड्रा करके रख दिया है, एक क्वेश्चन मार्क बना दिया है पाकिस्तान के फ्यूचर पॉलिसी के बारे में। मैं उस पे हैरान था, मैं बड़ा अभी तक मैं आई एम स्टिल लिसनिंग, आई एम स्टिल रीडिंग, स्टिल वर्किंग ऑन दैट आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस। और वाकई ये आंखें खोल आई ओपनर था वो एक पूरा सेशन। और उसमें फॉरेन पॉलिसी तो खैर देखे ना, दो चीजें होती फॉरेन पॉलिसी चीमा साहब, आप सिर्फ ममालिक उस वक्त उन पे सीरियस होते हैं जब अंदर से आपको वोट ऑफ कॉन्फिडेंस हासिल हो आवाम का, आपके अंदर सब अच्छे की रिपोर्ट हो, आपके अंदर चीजें बिल्कुल स्मूथ चल रही हो, तो आप कोशिश करते हैं हाँ भैया बाहर निकल के अपने पड़ोसियों से रिलेशनशिप बेहतर करें, ये फॉरेन पॉलिसी। लेकिन जब इंटरनल